काम लोगों को इस तरह उठाना नहीं है, अगवा करना नहीं है, गायब करना नहीं है। यही काम तो इंडियन हेल्थ कश्मीर में वहां कर रहा है, यही काम तो इंडियन हेल्थ कश्मीर में जो है वहां की खुफिया एजेंसियां कर रही हैं। और अगर यही काम मुजफ्फराबाद में, रावला कोर्ट में, हजीरा में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां करती हैं, तो फिर मुझे बताइए इनमें और उनमें फर्क क्या है। सच्ची बात यह, इनमें और उनमें फर्क कोई नहीं है। हम सौ के मकासद मफादात जो है वो सिर्फ समझाना है, चाराना है। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, हमारा जो मुतालबा है कि जनाब इन लोगों को, जिन लोगों को भी उठाया गया है, उठाया जा रहा है, इन लोगों को फिर क्यों राह किया जाए। मुझे यह नहीं बताया गया मुजफ्फराबाद की कि उसको उठाने के हवाले से, वो भी आप सुन लें, इससे ज्यादा शर्म और बेगैरती की और कोई मिसाल नहीं हो सकती कि मुजफ्फराबाद में एक कोई बच्चा प्रवेश इस तरह के कोई बच्चा व्यक्ति करेंसी का कारोबार करते थे इन एजेंसी के साथ मिलकर। अगर ये जितने भी एजेंसी तहकीकात करें तो एक एजेंसी नहीं तो दूसरी एजेंसी से पीछे जाए कि वो कोई परवेज बन या कौन सा बच्चा बहाल, कोई बच्चा जाली एजेंसी ये करेंसी का कारोबार करते थे और इस कारोबार लेन देन में उनके दरमियान मामलात में कोई बदलाव हुआ, उसको उठाने उसके घर के वो नहीं मिला, उसका भतीजा अपना नाम बंद को उठा के ले गए ब्लैकमेलिंग के लिए, और जब उसको उठा के ले जा रहे थे तो मुजफ्फराबाद में मौजूद जो कोई पीछे शहरी दफा की एक तंजीम है उससे मुतल्लक कोई रजाकार थे जिनमें जो शायद जो डेकेसर से मुतल्लक थे वो भी थे। उन्होंने पीछे के उन्होंने सोचा कुछ जो जो है अफान पठान अगवा करके ले जा रहे, पुलिस भी वहां पहुंची, पुलिस को पता नहीं उन्होंने क्या बताया, पुलिस वाले तो इधर उधर हो गए, और ये जो तीन चार लोग गए थे जो छुड़ाने गए थे इन्हें भी वो अपने साथ ले गए। मैं जो कहना चाहता हूं, अगर ये बात दुरुस्त है तो इससे ज्यादा बेघर थी और इससे ज्यादा गैर जिम्मेदारी की ओर क्या सबूत हो सकता है कि आप कारोबार करें दो नंबर मिल के लोगों के साथ, जब लेन देन का मसला हो उसमें ऊपर नीचे हो जाए तो आप पाकिस्तान की मसल्ला पास के नाम को, आप पाकिस्तान के खुफिया अदारों को जो है उसके लिए इस्तेमाल करके लोगों को दबाने की कोशिश करें। ये तो सीधी सीधी मैं कहता हूं कि वो जो नहीं होती वो कहते हैं दादाजी अड्डे पे कोई जो दादाजी बैठा होता है, ये तो उस तरह का निजाम है। और जब ऐसा हो रहा तो इसका बराह रास्त नुकसान किसको हो रहा है, कश्मीरियों को तो होना ही होना, होना ही होना है। सर किसको हो रहा, पाकिस्तान, पाकिस्तान जो अपने आप को कहता है मैं कश्मीरियों का वकील, पाकिस्तानी आवाम को भी होगा, बाबुल कहते पाकिस्तान को भी होगा। तो इस तौर में क्या एक और जुलावला कोर्ट के हवाले से, जुलावला कोर्ट में जिस बंदे को उठाया गया उसके बारे में कहते वो भी दो नंबर गाड़ियों का काम करते, ये जो कस्टम के जो नॉन कस्टम गाड़ियां होती हैं, अब पता नहीं इसके पीछे क्या है, उसको भी उठा के ले जाया गया। अब बात ये है कि इसके लिए मैं कहता हूं कि इसके लिए कोर्ट मौजूद है, कोई कारोबारी लेन देन के लिए कोई ऊपर तले बात होती है, अगर वो जेन्युइन कारोबार है तो क्रिमिनल कोर्ट से, किसी से कोई क्रिमिनल होता है तो क्रिमिनल कोर्ट मौजूद है, इन तारों को क्यों बाईपास किया जाता है। तो मैं जो कहता हूं कि यही तो हमारा रूना है कि ये जो आजाद कश्मीर की सौ काल डूली लंगड़ी हुकूमत के मुजफ्फराबाद में बैठे हुए हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। 15 दिन से गायब हो गया मुजफ्फराबाद से, चार को उठाया गया, चार बंदों को उठाया गया, एक को छोड़ दिया गया, मार मार के उसका बुरा हाल किया गया, तीन है फिर उनकी कस्टडी में, और मुजफ्फराबाद में बैठे सदर वजीर आजम गुजरात की कौन को प्रमोट ये काम पर जून तक नहीं रही थी, और ऐसे भी यहां। तो मैं इस हवाले से जो कहना चाहता हूं कि जे कलम कहता है, जे कलम मुतालबा करता है जोरदार अंदाज में मुतालबा करता है कि ये गुंडागर्दी, ये बदमाशी, ये बंद हो जानी चाहिए, ये फिलफोर बंद हो जानी चाहिए, और जिन लोगों को ऐसे उठाया गया है उन्हें सिविल कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। और अगर किसी पे कोई वो नहीं है, जैसे मुजफ्फराबाद के
कि तीन लोग हैं उन्हें सिंपोर रहा कर दिया जाए, नहीं तो फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात अगर ये समझ रहे हैं कि इस रीजन में अमेरिका की दलाली का रोल प्ले करके वो जो कुछ मर्जी वो करते रहेंगे उन्हें खुली छुट्टी मिलेगी, ये मुमकिन नहीं। उसका रास्ता का अगर रास्ता रोका जाए, आज पाकिस्तान का एहसान बलोचिस्तान था, कहते वो था मानते नहीं बलोच, आना चाहूंगी है बलोच कहते हैं जो वहां के हकीकी रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो कहते हैं हमें आजादी चाहिए, मुकम्मल आजादी चाहिए। हमारी सूरत तो सिरे से है ही बहुत मुख्तलिफ, हम तो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, नहीं थे ना है और ना होंगे। हम तो आजादी की जो जो में पहले से ही सरगर्म अमल है, तो फिर अगर ये बलोचिस्तान के से हालात पैदा कर वहां भी ऐसे हुआ, लोगों को उठाया जाता रहा, फिर उठाया गया मार दिया गया, वो सरों को गायब कर दिया गया, तो ये अमल जो है मैं कहता हूं जहां अगर जारी होता है इसे यहां रोक नहीं दी जाती, तो फिर ये भी दूसरा बलोचिस्तान नहीं। बलोचिस्तान इसलिए मैं कहता हूं नहीं कि बलोचिस्तान चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है पाकिस्तान का, आजाद कश्मीर उसका पार्ट नहीं है, ये बलोचिस्तान से भी कहीं गुना ज्यादा जो है उनके लिए जो है दोजख बनने में अपना क्या दोजों को जन्म का रूप धारने में अपना रोल प्ले करेगा। तो मेरे मोहतरम बाप, मैं आखिर में फिर आठ सारों से यही गुजारिश करूंगा कि आए हम सारे गैर जनताधारी के साथ थोड़ी देर के लिए अपने आप को बिल्कुल गैर जनता रखते हुए, ये के अलग के लोग, ये के अलग से बाहर के लोग रीअसेस करें कि हमसे कहां गलती हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, जो हमारी गुलामी की रात कितनी लंबी हो गई, और गलती मेरे बाप ने की। अगर मैं जानकार हूं, मैं कमेंट हूं अपनी आइडियोलॉजी के साथ, तो मुझे बाप के दामन को फिर चटक पहना होगा। गलती मैंने की, मुझे खुद स्टेप डाउन कर लेना चाहिए। और आप जो आवाम है, आवाम की जो जिम्मेदारी है वो ये है कि अपने आप को चूंकि उसमें भी बड़ा मसला है, ये सारी जो आजाद कश्मीर सारे में है और यहां भी है कि बारूदी मोसरबाज इलाकों की बुनियाद पर, कबीलों की बुनियाद पर, ठेकों की बुनियाद पर नौकरियों का जो है ये कि नौजवानों को वो करके कि ये नौकरी मिलेगी वो नौकरी मिलेगी, आपको अपने साथ तोड़वाते हैं, बकवाते हैं, उनकी इज्जत नफ्स को भी क्या कहते हैं उसका भी खून करते हैं, और मिलता हमें वही है जो हमारे नसीब में होता है। तो मैं जो आज से कहना चाहता हूं कि आए हम ये एक्ट देखें, मैं जो कहना चाहे हम बदलें इस निजाम से, अगर हम पाएंगे, अगर हम इसे बदलना चाहते हैं, जिस तरह की हम तब्दीली लाना चाहते हैं, पहले वो तब्दीली हमें अपने अंदर लानी, जब इससे पहले के माशरे बदले, निजाम पहले बदले, मुल्क आजाद हो, पहले मुझे आजाद होना होगा, पहले मुझे जो अपने आप को बदलना होगा, और जिस तरह की तब्दीली में सारे माशरे में चाहता हूं वो तब्दीलियां मुझे अपने आप अंदर लानी है। तो इस पर मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने आप को चूंकि ये इलाकाई है, तिबिलाई है, ये छोटे छोटे मुफादात टूटी नलका वाली सियासत इसकी कोई उम्र नहीं, ये बलावा है, ये बेजमीनी की तरफ ले जाने वाली बात है, और एक हद पे जाके ये बेगैरती में ले जाती है बंदों को। तो मैं आपसे कहता हूं इसे ऊपर उठाएं, नजरिए की बुनियाद पर, उसूल की बुनियाद पर, किरदार की बुनियाद पर, जो कोई खड़ा हो वो मेरा आपका जाति तौर पर कितने ही बदतरीन दुश्मन क्यों नहीं है,
अगर हम इन वास्तव किसी वसूल नजरिए के पैरोकार हैं तो हमें उसके हाथ के साथ हाथ मिलाना।